तो गाइस आज हम आपको लेकर चलते हैं मनसापूर्ण गणेश मंदिर जो बूंदी ज़िले में स्थित है। तो आपको सामने जो दिख रहा है वो है यहाँ का तारागढ़ फोर्ट। इसकी वीडियो आपको अगर देखनी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और शाम का टाइम हो रहा है और गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और ये पर्व 10 दिन तक चलता है। और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो है बूंदी बाईपास का रास्ता। तो इस रास्ते से हमको राइट हैंड की तरफ टर्न लेना है और वहाँ आएगी नवल सागर झील। यहाँ से राइट टर्न लेकर नवल सागर झील के रास्ते होते हुए हम जाएंगे मनसापूर्ण गणेश मंदिर। यह है यहाँ की सुप्रसिद्ध नवल सागर लेक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको आज के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सभी दिखाने जा रहे हैं। तो एक बार की बात है, देवता काफ़ी संकट में फंस गए, वो शंकर भगवान के पास गए। वहाँ पर कार्तिकेय गणेश जी भी थे, तो शंकर भगवान ने पूछा तुम दोनों में से देवताओं की समस्या का सुलझावला कौन करेगा। तो दोनों ने जवाब दिया और फिर बाद में शंकर भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी के जो सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा वही इनकी समस्याओं का निपटारा करेगा। तो कार्तिकेय अपने वाहन के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए और गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और अपने माता पिता को ही उन्होंने पृथ्वी मानकर चक्कर लगा लिया। तो गणेश जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि तुम क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे लिए माता पिता ही पृथ्वी है, समस्त संसार है, इसलिए मैंने आप दोनों के ही चक्कर लगा लिया, यही मेरे पृथ्वी का चक्कर है। तभी से गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है और सभी समस्याओं का सुलझावड़ा गणेश जी के पास ही जाता है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको मनसापूर्ण गणेश मंदिर जो बूंदी ज़िले में स्थित है। तो चलते हैं आगे। मंदिर की झलक आपको देखने को मिलेगी, गणपति के दर्शन हम कराएंगे आपको आगे। तो मनसापूर्ण गणेश जी का दिव्य दरबार। अब हम आपको यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का भी मंदिर है और साथ में माता जी का मंदिर भी है, वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी सारी झांकियाँ यहाँ पर तैयार हो रही है, वो सभी भी हम वीडियो को बताएंगे। तो चलते हैं। ये है यहाँ के कृष्ण मंदिर का नज़ारा और साथ में जो लड्डू गोपाल है वो यहाँ पे पालना झूल रहे हैं। काफ़ी सुंदर ये झांकी है और ये खरगोश अपना दाना मस्ती से चुग रहे हैं। और ये माता जी का मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है,
ये गणेश मंदिर के जस्ट पीछे ही है। खेड़ा देवी माता जी का ये मंदिर है और पास में ही एक साई बाबा की मूर्ति भी देखने को यहाँ पर मिलेगी, वो भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। ये है यहाँ की साई बाबा की मूर्ति जो काफ़ी ही सुंदर है। और ये है यहाँ की जो झांकियाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूरी तरीके से तैयार होकर दर्शन करने जा रही है गणेश जी का, और फिर ये झांकियाँ रात को निकलेगी। अभी यहाँ पर बस ओनली थोड़ा सा ही दिखाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।